25 फरवरी को फरियादी रतिराम बछौड़ा थाना दिगौड़ा ने थाना दिगौड़ा में आकर रिपोर्ट लिखाई कि 24 फरवरी को रात करीब 8 बजे तीन लड़के मुंह पर कपड़ा बांधकर घर में आए और कट्टा अड़ाकर कट्टे से मारपीट की और 1,10,000 रुपये नकद एवं सोने चांदी के जेवरात कुल कीमत 1,50,000 रुपये और मशरूका 2,60,000 रुपये लूट कर ले गए, जिस पर अज्ञात तीन नफर व्यक्तियों पर थाना दिगौड़ा में अपराध कायम कर वरिष्ठ अधिकारियों को घटना के संबंध में अवगत कराया गया है। दिगौड़ा पुलिस टीम के द्वारा उपरोक्त घटना में मेहनत एवं लगन से कार्य करते हुए घटना को अंजाम देने वाले तीन आरोपियों सहित घटना करवाने वाले दो आरोपियों को घटना के 24 घंटे के अंदर ही मय माल मशरूका के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। सुनिए इस पूरे मामले में टीकमगढ़ SP रोहित काशवानी ने क्या कुछ बताया। प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है थाना दिगौड़ा में, दिनांक 25 तारीख को एक रिपोर्ट आई थी कि उसकी पिछली रात में एक घर में यहाँ लूट हुई है और कट्टे की नोक पर कुछ अज्ञात व्यक्ति आए हैं और एक घर में कुछ लगभग 2,60,000 रुपये की लूट करके निकल भाग गए हैं। पुलिस ने इसको गंभीरता से लिया, हमने विशेष टीम का गठन किया और 24 घंटे के अंदर इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनसे 3,97,000 का मशरूका बरामद किया गया है। इनके ऊपर पूर्व में लगी धाराओं 450, 394, 397 के अंतर्गत धारा 25 और 27 आर्म्स एक्ट की धाराएं भी बढ़ाई जाएगी और इसमें थाना प्रभारी दिगौड़ा और उनकी पूरी टीम ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है, मैं इनको बधाई देता हूँ और सभी आरोपियों को हिरासत में भेजा जा रहा है।